गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय। श्री श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य वर्ज अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य वर्ज अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नित्यैला प्रसंग विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। Let them also sleep. सामने सब बैठे, सामने में सब बैठे, सामने बैठे सब बैठे। सब यहाँ आ गया। प्रेस भी कौन है? हम प्रेस। चलो जल्दी बैठो। आप पवन? आपके बड़े लड़के सुरेश हैं? हाँ, सुरेश। आइए। सुरेश सब लोग इधर इधर। मोर मोर मोर। यस मोर मोर सुरेश की लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। मैं कल प्रवचन देकर के लौट रहा था तो वासुदेव जी, कांति जाय के भाई और सब लोग कह रहे थे कि सुरेश बड़ा भक्त है और बहुत सज्जन लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है और उनके घर से भी और उनके घर से भी बड़ी सुशील हैं। कौन है उनके घर से? और उनके लड़के और वो लड़की है। छोटा है, ठीक है, वो ठीक है, वो सही है, पूरा ज्वालामुखी है, लक्ष्मण। हाँ वो लक्ष्मण है, बहुत ज्वालामुखी है, बहुत। लक्ष्मण जी उधर बैठे हैं? लक्ष्मण जी बैठे हैं वहाँ, पूरा ज्वालामुखी है। अच्छा नहीं रुक रहा है। ये कौन है? मेरी माता जी है। माता जी आपकी जी। और ये आपकी पत्नी है, इन्हीं से वंश का विस्तार सबका हुआ है। हमारी हिंदी लोग समझ देंगे ना? जी हाँ, जी हाँ, सब हिंदी। बस कल लंबासा से तार द्वारा सज्जन सरजू प्रसाद मुझसे पूछे कि हिंदी किस तरह की है। मतलब मैं कहा भाई ये तो फिजी हिंदी भी बोल लेंगे और भारत की भी हिंदी बोल लेंगे और इंग्लिश के तो बहुत विद्वान है। मैं कहा कई पुस्तकें लिखे हैं, वो जानना चाहते थे ना। मैं कहा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सुनते रहते हैं हम तो, बड़ा धन्य है हमारा। लंबासा के लिए पूछते हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं ये कैसे होंगे, क्या कहेंगे, क्या न करेंगे। कोई कुछ इधर उधर की तो ऐसा न बोल देंगे ये सब गड़बड़ हो जाए। अपने परिवार में, अपने दोस्त में वो जानना चाहते थे कि कुछ 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 कर सकते हैं या नहीं। तो हम लोग तो वेद, उपनिषद, रामायण, भागवत इन्हीं की ही बातें कहते हैं और इसी को अनुभव करने की चेष्टा करते हैं। मनुष्य का जन्म संसार में दुर्लभ है
और वो भी भारत से संबंधी भारत में जन्म हो या भारत से संबंध भी हो तो उसका जीवन धन्य है। कहते हैं कि यह जन्म करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में ये मनुष्य जन्म मिला, ये जन्म नश्वर है। नश्वर माने थोड़े देने के लिए है, अधिक दिनों के लिए नहीं है। इसको छोड़ करके एक दिन जाना पड़ेगा। अब जो कुछ किया है कमाई, अपने भाई बंधु पिता माता पुत्र परिवार सबको यहीं रख करके जाना है निश्चित रूप। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अपना कल्याण करके ही जाना चाहिए इस जन्म। मनुष्य के अतिरिक्त और किसी जीवन में कल्याण नहीं होगा। एक आदमी जो सारे दिन की बात सोचकर काम करता है, जैसे कैसे हम सुखी रहेंगे, कैसे हमें लाभ होगा, क्या करना चाहिए, वो कुछ कुछ बुद्धिमान है। जो जीवन भर की बातों को सुनते हैं और विचार करके कहते हैं नो नीड एट ऑल, ये सब ठीक है, वी आर ओके, तो जो 10 दिन की बातें सोचते हैं वो और बुद्धिमान है। और इसीलिए पढ़ाया लिखाया जाता है कि हम भविष्यत में कैसे सुखी रहें इस जीवन में, इसलिए तो पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो वो मनुष्य बुद्धिमान है और जो सारा जीवन की बात को समझ करके काम करता है, ये सारे जीवन में मैं हम लोग सुखी रहे। और उससे भी बुद्धिमान वह है जो उसका बेटा भी सुखी रहे, उसके बेटे भी सुखी रहें, उसकी लड़कियां भी सुखी रहें। किंतु इससे बुद्धिमान और है जो दूसरे जन्मों में भी सुखी रह सके, वो सोचता है वो परम बुद्धिमान है। अरे बेटा समझ रहा है, पढ़ता लिखता है इसलिए कि सुखी रहेगा, नहीं तो कोई पूछे ना, झाड़ू देने के लिए भी कोई नहीं रखेगा। इसलिए स्कूल में कॉलेज में जाकर के पढ़ना होता है और सबसे अधिक माता पिता के पास में पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को लेना, तब आदमी बुद्धिमान होता है। किंतु उस सबसे बुद्धिमान वो है कि ये समझता है कि जगत में ये दुखी है इसलिए पूर्व जन्म में बुरा काम किया था, है ना। कोई आदमी अंधा लंगड़ा लूला होता है और गरीब घर में जन्म लेता है, क्यों? क्योंकि उस जन्म में पिछले जन्म में उसने अच्छा काम नहीं किया था, माता पिता की सेवा नहीं की थी, लोगों का उपकार नहीं किया था, पशुओं की भांति रहता था, इसलिए इस जन्म में वो दुखी है। कुछ दूसरे को तंग किया हो गया इसलिए अंधा है, लंगड़ा है, कुबड़ा है और पढ़ने पर भी पास नहीं करता, उसके दिमाग में भोथा दिमाग जानता है, बहुत दिमाग तेज नहीं है, बार बार फेल हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में उसकी कमाई अच्छी नहीं थी, बुरा काम किया। और जो लोग जन्म से ही अच्छे घर में जन्म लिया, तुम्हारा अच्छा सौभाग्य, पूर्व जन्म में तुमने अच्छा काम किया था और तुमने भी बेटी अच्छा काम किया था, जो ऐसे पिता माता और पितामह के घर में, दादी और दादा के घर में जन्म लिया जो तुमको खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं है, है ना, और पढ़ लिख रही है और लिख रहे हैं। और यदि दरिद्र घर में जन्म हो जाता तुम पढ़ भी नहीं सकते, बचपन से किसी काम में लगा देते और तुमको पेट भर भोजन नहीं मिलता। इसलिए पूर्व जन्म में अच्छा काम किया था इसलिए इस जन्म में अच्छा घर में जन्म हुआ, बुद्धि भी तेज है, बड़ा सुंदर सुकांत रूप है, नहीं तो कुबड़े काले दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? हाँ। इसलिए इस जन्म में ऐसा काम करना है जो भविष्यत में भी हम अच्छे तरह से रह सके, नहीं तो इस जन्म में तुमने लोगों को तंग किया
अच्छी तरह से माता पिता की सेवा नहीं की, गुरुजनों की सेवा नहीं की, अच्छे नहीं काम करेगा तो फिर वही दरिद्र घर में जाकर के कुबड़ा लंगड़ा लूल्हा होना। और यदि दूसरों से मारपीट करेगा और बुद्धि तामसिक हो गई, झगड़ालू हो गया, तो सांप और बाघ कुल में जन्म लेना पड़ेगा। यदि लोगों से झगड़ा किया, माता पिता की बात नहीं सुना, भाई और बहनों से लड़ता है कभी 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 यदि होता है ना, तो आदमी बाघ और भालू और सांप होकर के जन्म लेता है। और यदि शराब पीता है खूब, शराब समझता है, और क्या इधर में क्या कहते हैं, नगोना यदि पीता है तो वो वृक्ष होकर के जन्म होता है, उसकी डाल को हाथ को काट लेते हैं। इसलिए इस सबसे बच करके रह करके अच्छी पढ़ाई पढ़ना है, माता पिता का बचपन से आदर करना है, नहीं तो तुम्हारे बेटे जब बड़ा होगा तो वो तुमको मानेंगे नहीं। इसलिए बचपन से ये सब शिक्षा होना चाहिए, तो भी इतना करने पर भी आदमी सुखी नहीं रह सकता, उसको एक दिन मरना पड़ेगा। एक दिन तुम छोटा सा बच्चा था, नंगा पलंग पर पलने पर मैया सुला देती थी, याद है? और एक दिन तुम अपने पिता के समान हो जाएगा, तुम्हारी भी मूछ ऐसे होगी ना, और ऐसे केस होंगे, इतना बड़ा होकर के बड़ा बिजनेस संभालेगा, और कुछ दिन के बाद में बाबा जैसा हो जाएगा बूढ़ा, और कुछ दिनों के बाद में और लकड़ी लेकर के चलेगा, और अंत में शरीर को छोड़ देना पड़ेगा, एक दिन जरूर धाप धरा रहे। इसलिए बुद्धिमान पुरुष यह है कि इस जगत में नहीं आना पड़े। एक ऐसी जगह है जहां पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जहां पर नित्यकाल आनंद ही आनंद है। यहां पर कुछ आनंद है, बिजनेस है, एक तो दिन रात परिश्रम करना पड़ता है, जो बिजनेसमैन है वो जान, तुम्हारे पिताजी जानते हैं, कांतिलाल और उनके बेटे लोग समझते हैं, दिन भर उस धन को कमाने के लिए माता मैया के पास में नहीं रह सकते, यहां रहना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है, देश विदेश में जाना पड़ता है, कितना परिश्रम है, कितना प्रॉब्लम चिंता है उसके लिए। यदि पांच लड़की हो जाएगी तो चिंता करने पड़ेगा, ये कैसे शादी करेंगे, नींद नहीं आएगी, बिजनेस कुछ तंगी हो गई, जैसे आज कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना सारे विश्व में, महंगाई हो गई, बिजनेस डल हो गया, और यदि डल हो जाएगा, कहीं युद्ध लग गया, कहीं कुछ हो गया, तो बड़ी मुश्किल, सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए इस जगत में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसलिए उस जगत में कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण बड़े सुंदर हैं, सभी लोग वहां पर सुखी हैं, जन्म मरण नहीं है, एक ऐसे लोक को पहुंचना है, वही परम धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन का, हम वही के निवासी हैं, हम इस जगत में भगवान के चरणों का निरादर किया, बात नहीं माना, जैसे कि बेटे हैं ना, बाप की बात कभी कभी नहीं मानते, तुमक जाते हैं, लक्ष्मण जी जैसे बैठे हैं यहां तो वो नहीं मानेंगे, तो ऐसे ही भगवान की बात नहीं माना तो उन्होंने कहा चले जाओ, यहां पर भेज दिया, और बहुत कष्ट दे दिया, बुढ़ापा दे दिया। इसलिए उस जगत में हमको जाना है, अपने पिता के घर में, वही पिता है असल में, कौन पिता है, कृष्ण ही, वही भगवत्ता की चरम सीमा है, वही भगवान है, वृंदावन में गऊएं चराते हैं, बड़े सुखी हैं। एक समय में कोर्ट में एक केस चला, ये हमारे उपास्य बड़े हैं तो हमारे उपास्य बड़े हैं, किसी तरह से लड़ाई झगड़ा हो गया, एक के उपास शंकर जी हैं और एक के उपास्य हैं कृष्ण। कोर्ट में जज ने कहा अच्छा अपने अपने आराध्य देव का, अपने उपास्य का फोटो ले आना, तब हम विचार करके बतलाएंगे ये कौन कौन बड़ा है। तो जो कृष्ण के उपासक थे उन्होंने
बंशी बजाते हुए कृष्ण को मुस्कुराते हुए उनका चित्र लेकर के रखा और एक शिव जी का चित्र रेखा वो एकदम समाधिस्थ होकर के ऐसा ध्यान लगाए हुए सर्पों की माला है यहाँ वहां पर बैठे। तो उन्होंने देख करके कहा ये जो लड़का है बड़ा सुंदर और निश्चिंत है प्रसन्न होकर के बंशी बजा रहा है और ये किसी का ध्यान कर रहा था ये किसका ध्यान कर रहा मालूम होता है कि इसी का ध्यान कर रहा इसलिए कृष्ण में भक्त कृष्ण से भक्त जगत में बढ़कर के कोई नहीं है। दिन भर में यदि अपना काम अच्छा करना चाहते हो सभी काम तुम्हारे सुखमय हो तो बस सवेरे बैठ करके स्नान करके और एक बार कह लो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बस अपना काम को पढ़ो लिखो कोई भी बात कभी कोई गाना गाता है कभी मन ही मन में या ऐसे ही अकेले में सभी लोग करते हैं तो उसी समय में चलते रहना और अपना भगवान का नाम भी करते रहना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। यदि ऐसा इतना नहीं आता तो भी इतना भी कर सकते हो राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। कभी ऐसे ही चलते चलते कर देना राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। कभी कुछ नहीं आता तो राम 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 हरे कृष्ण राम राम बस नहीं आता बस राम उनको प्रणाम कर लो अपना ऐसा जीवन सुखी है। जिस घर में तुलसी जी का बिरवा हो बिरवा समझते हैं पौधा हो और ठाकुर जी का मूर्ति हो नहीं हो चित्रपट भी एक हो राधा कृष्ण का और वहां पर सवेरे शाम थोड़ी सी आरती होती हो धूप दीप जला करके और उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं दादू जी को आगे पितामह दादा दादी को माता पिता को प्रणाम करते हैं भाई बहनों से बड़े प्रीति के साथ में रहते हैं वही घर स्वर्ग है। जिस घर में ये सब नहीं वो घर घर नहीं कली का घर है वहां पर विवाद है। संक्षेप में यही जीवन का सार है अपना करो गृहस्थ लोग हैं ठीक है गृह में रह करके करो किंतु भगवान को बीच में रख करके भगवान को प्रणाम करके घर ये भगवान का है हम उसमें हैं ऐसा समझ करके सबके साथ में प्रीतिपूर्वक व्यवहार रखते हुए जीवन में सुखी हो। गौर प्रमाण कितना बज गया व्हाट इज द टाइम 12:35 अब चलना चाहिए 2:35 शुभानंद
मैं आ तो नहीं सकता, इसलिए सब लोगों को आना पड़ेगा, जिसको लेना है वो आ जाए। महाप्रसाद बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं महाराज। महाप्रसाद सुगंध आ रही है ना, बहुत स्वादिष्ट बनाया नंद किशोर पूर्ण ने बनाया।
कांतीलाल जी के यहाँ लड़का आया है। अच्छा तुमको याद है तू टेढ़ा, जरा एक कीर्तन और सुना दो। कृष्ण जी बड़े टेढ़े हैं, उनका सब कुछ टेढ़ा है, वो त्रिभंग लज्ज से टेढ़े हैं, उनकी बोली भी मीठी किंतु टेढ़ी है, उनके लीलाएं भी टेढ़ी हैं, उनकी मैया भी टेढ़ी है, उनकी गोपियां भी टेढ़ी है, जमुना भी टेढ़ी है, उनकी नजर भी टेढ़ी है, उनकी बंसी भी टेढ़ी है, टेढ़ी टेढ़ी सब कुछ उनकी टेढ़ी। और टेढ़ी होकर के जब किसी के हृदय में घुस जाते हैं निकलते नहीं है, टेढ़े हैं ना, इसलिए जरा सुनिए ना, दे दो उनको। टूटे हो टेढ़ी टेढ़ी,
ज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महापतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी अपने शिक्षा गुरु श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करते हुए सज्जन सुधे वृंद वैष्णव वृंद माताएं बहनों और बेटियां हम लोग यहां पांच दिनों तक सनातन धर्म के संबंध में कुछ थोड़ा सा कुछ बतलाया। मालूम नहीं समझ में आया या नहीं, धर्म का तत्व निहितं गुहायां, अत्यंत गुहा के भीतर में, हृदय रूपी गुहा के भीतर में अवस्थित रहता है। महाजनों जैन गतः सपंथा, महाजन लोग जिस पथ से गए हैं उसका अनुसरण करने से, उसका पालन करने से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। लाखों जन्मों से हम अपने को और अपने धर्म को भूल रहे हैं, सनातन धर्म को। यद्यपि हम लोग सनातनी अपने को कहते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते। हम लोग प्रश्न करते हैं, सनातन धर्म ने हमें क्या दिया, क्या दिया सनातन धर्म ने, इसलिए उसे छोड़कर आज हमारे बहुत से सनातन धर्मावलंबी कोई क्रिश्चियन बन रहे हैं, कोई मुस्लिम बन रहे हैं, बहुत से लोग बौद्ध बन रहे हैं, बहुत से लोग कितने कितने के नए नए पथ हो रहे हैं उसमें चले जा रहे हैं, किंतु यह सनातन धर्म है, यह नष्ट होने वाला नहीं। इसलिए जब इसकी बुनियादी बातों को हम समझेंगे तब तो समझेंगे, अन्यथा नहीं। बहुत से कथावाचक लोग आते हैं, राम की कथाएं कृष्ण की कथाएं तो कहते हैं, किंतु उनका ध्यान इन सब बातों पर नहीं रहता जे कैसे इनका कल्याण हो। उनका नजर रहती है वो थाले की तरफ में, जे प्रणामी में क्या मिला। यदि प्रणामी में रोज कुछ भर करके आता है तो बड़े उत्साह से कथा कहते हैं और अपना काम करा करके पूरा करके चले जाते हैं। लोगों के हृदय में यह धर्म समझा दे अच्छी तरह से, उनका जीवन सुखमय कर दे, बहुत थोड़े लोग, बिरले लोग ऐसे होते हैं।
जो धन की लालसा से नहीं, प्रतिष्ठा की लालसा से नहीं, शिष्य की इच्छा से नहीं, लोगों का यथार्थ कल्याण करने के लिए आते हैं। बहुत कम वो तो भगवान के प्रेरित कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो देंगे। कथाओं में भी उसके गूढ़ रहस्यों को बतलाना एक बात है और लोगों का मनोरंजन कर देना एक बात है। अभी एक कीर्तन बच्चे ने किया, इसके भाव बड़े गंभीर हैं। टू टेढ़ा तेरी टेढ़ी नजरिया, नजरिया माने क्या है? आंख। पूतना आई उसे मार डाला, कहां भगवान उसका उद्धार करेंगे, तो उसने उनको मार डाला। अरे अपने मामा कंस जी उनको भी मार डाला, टेढ़ी बातें। लोगों के घर में भगवान कभी चोरी नहीं करता, वो घरों घरों में मक्खन चुराता है, ये टेढ़ा काम। जितने उसके कार्य सब टेढ़े। क्या जरूरत थी जो लाखों लाखों लोगों को महाभारत के युद्ध में मरवाया, क्या जरूरत थी? टेढ़ा काम। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, वो तो चाहता था कि मैं भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह कर लूंगा, ये युद्ध करके इतने लोगों को नहीं मारूंगा। अर्जुन को उसकाया, नहीं तू हिजड़ा है क्या, मूर्ख, तू नहीं मरेगा तो भी ये मरेंगे, मैंने इनको मार रखा है, विश्व रूप दिखला करके उनको उत्तेजित। किस लिए? हमारे शास्त्रों के जानने वाले रहे नहीं, सब मर गए। बाण विद्या में इतने निपुण थे, मंत्र से धनु ही पर फिर चलाते थे, उसे आग लग जाती, वर्षा हो जाती सर्पों की, विश्व जलने लगता, ऐसी विद्या का लोप हो गया इस महाभारत युद्ध से, स्त्रियां विधवा हो गई। ये टेढ़ा कर्म किसने किया? जमुना जी है वो टेढ़ी बहती है, सीधी नहीं बहती, गंगा जरा सीधी बहती है, वो टेढ़ी बहती है। बचपन में मक्खन चुराता और मैया ने पकड़ करके उसे बांध दिया और रोने लगा, अरे ब्रह्म कहीं रोता है, झूठ बोलता है, अरे बेटा तूने मट्टी खाई, नहीं मैया मैंने कम मट्टी खाई, झूठ बोल दी, अरे ब्रह्म कहीं झूठ बोलता है। बातें अटपटी लगती हैं किंतु उसके गंभीर विचार हैं, साधारण लोग नहीं समझ सकते। बिनु सत्संग न पाम ही प्राणी, अधिक दिनों से सत्संग नहीं होने से, बिना स्वार्थ का कल्याण की भावना से जो सत्संग होता है उसके द्वारा सठ सुधर ही सतसंगत पाई, सठ भी सुधर जाते हैं। फूलों के संबंध से एक कीड़ा भी शंकर जी के शीर पर पहुंच जाता है। सत्संग ऐसी चीज है कि कुठार चंदन के वृक्ष को काटता है और चंदन क्या करता है, वो काटने वाले में भी सुगंध दे देता है। ऐसा यदि हो तो हम लोगों का कल्याण हो सकता है, इन चीजों को समझ सकते हैं, नहीं तो समझेंगे नहीं। अभी दामोदर जी की लीला का हम लोग वर्णन करेंगे। कृष्ण भगवान होते हुए भी मक्खन चुराया, मैया ने उनको कैसे बांधा। उसके पहले मैं दो एक बातों को आप लोगों के सामने निवेदन करता हूं। एक सज्जन ने हमसे ये प्रश्न किया गया, जिसके संबंध में कुछ बतलाया जाए। सनातन धर्म क्या है? आपने बहुत कुछ बतलाया, किंतु सनातन धर्म ने दिया क्या हमें, जिसके वजह से बहुत से लोग छोड़ करके चले जा रहे हैं, और हैं भी तो वो ठीक से मानते नहीं हैं।
आप लोग खूब ध्यान देकर के सुनेंगे तो समझ में आएगा। पहले तो दो एक टेढ़े का उत्तर दे दूं, इसके बाद में इसमें आऊंगा। पूतना मैया का वेश बनाकर आई कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण ने उस विष के साथ साथ में उसका प्राण भी पी लिया और उसकी आत्मा को शुद्ध करके, प्राण को आत्मा को शुद्ध करके उसे माता की गति दे दी। जन्म जन्म उसका सुधर गया। टेढ़ी बात अटपटी है, ऊपर से मालूम होता है जो उसको मारा मारा नहीं, शरीर तो छूटता ही किसी न किसी दिन। उसकी आत्मा को माता की गति सदा के लिए देकर के गोलोक वैकुंठ में भेज दिया। अब इसे कौन दयालु होगा? कोई नहीं हो सकता। इस तरह से अघासुर कंस इत्यादि जितने भी राक्षस हैं उनका यह पाप का शरीर छुड़ाकर उनको दिव्य गति दे दी। ये तो वही समझ सकता है जो इन गतियों को समझता है और उसको प्राप्त है, वो समझेगा। नहीं तो एक छोटा सा बच्चा है अभी खेल रहा है, उसके हाथ में हीरा का टुकड़ा दे दो, क्या करेगा? खेल करके फिर फेंक देगा। बंदर के हाथ में अदरक दे दो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसको सोने की मणियों की माला पहना दो, बंदर क्या करेगा? वृंदावन में जाएंगे, आपके पर्स में सोने का हार है या गले में, बंदर बड़े चालाक चतुर होते हैं वहां के, वो झट आपके यहां पर खुद जाएंगे और झट निकाल लेंगे, पर्स ले लेंगे और पेड़ पर चढ़ जाएंगे। उसमें हजारों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, सोने का हार है, पेड़ पर चढ़ जाएंगे। जब तक उन्हें एक रोटी का टुकड़ा या चना थोड़ा सा फेंक दो तो उसको फेंक देंगे और उसको ले लेंगे। इतने से चने पर रोटी लेकर के और वो जो सोने का हार जो करोड़ों रुपए का है उसको वो फेंक देंगे, क्या करेंगे? न खाएंगे न क्या करेंगे, पहनेंगे हार। तो हम लोग इन चीजों का नहीं जानते हैं, इसलिए इसका मूल्य भी हम लोग ठीक नहीं कर पाते। इसलिए बातें अटपटी टेढ़ी लगती हैं किंतु टेढ़ी नहीं, बहुत सीधी है किंतु जानने वालों लोगों के लिए। इसलिए कृष्ण टेढ़े नहीं, कभी झूठ नहीं बोला। मट्टी खाई, मैया ने कहा मट्टी खाई? नहीं मैया, मैया मैंने मट्टी कब खाई? नहीं खाई। अच्छा तेरा मुख देखे, मुख देखा क्या? मट्टी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी, सारा अखिल विश्व ब्रह्मांड इसमें दिख गया। यशोदा जी मट्टी खोजते खोजते हरे कहीं नहीं मिला और अखिल विश्व ब्रह्मांड को देख करके चकित हो गई। ये टेढ़ी बात हुई ना। एक समय कृष्ण मक्खन खा लिया किसी के घर से। ये मक्खन खाना नहीं, ये हृदय लेना है। हृदय की चोरी करते हैं इस मक्खन की लीला के द्वारा, उसका हृदय ही सदा के लिए ले लेते हैं। बड़े अटपटे हैं। जो सुधा ने कहा बेटा तैने मक्खन खायो? मैया मैयारी मैं नहीं माखन खायो, मैंने कब खाया? भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। अरे भोर होते ही मुझे गौओं के साथ में मधुबन में चराने के लिए भेजा और जब शाम भई तो मैं गईयों को लेकर के बड़े कष्ट से शाम को आया और आते ही गईयों को बांध करके फिर खा पर के खुश हो गया। मैंने कब मक्खन खाया? तैने ही मक्खन खायो, तूने ही मक्खन खाया। अच्छा मैया तू मानती नहीं है, मालूम होता है मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, इसलिए मैं दूसरों का जाया हूं, दूसरों से जन्मा हूं, तेरे यहां किसी प्रकार से आ गया, इसलिए तू मुझे ऐसा कहती है तो मैं अब घर में नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊं। इतने सुनते ही यशोदा जी का कलेजा फटने लगा। बेटा ऐसा मत कहो, बेटा ऐसा मत कहो। तो
तुमने मक्खन नहीं खायो, हमने ही कहा ऐसे, मैं ही झूठ बोल रही थी, तैने मक्खन नहीं खाया। और रोने लगी। इतने में कृष्ण ने देखा जी मैया रो रही है, तो उनका भी हृदय द्रवित हो गया। तब उन्होंने ये कहा, मैयारी मैंने ही माखन खायो, मैयारी मैंने माखन खाया। और यशोदा जी ने कृष्ण को अंक में रख लिए और फिर शांत करके अपने स्तन से दूध पिलाने लगे। ये कैसा प्रेम लेकर के जगत में वहां से आए, बड़ी अटपटी बात है। जिसने इस प्रेम को मांगा उसको उन्होंने दिए इस प्रेम को। अब देखिए, अब नीचे आइए, हम लोग सनातन धर्म के संबंध में कुछ बतलाएंगे, इसके बाद में अपनी लीला कथाओं पर। मैं तो लीला कथा ही कहना चाहता था, किंतु इस प्रश्न ने ये हमें सोचने को बाध्य किया कि ये सब साधारणों को ये चीज देना चाहिए, ऐसे नहीं समझेंगे। वो तो बड़े बड़े संत, शंकर जैसे संत हों, सुखदेव गोस्वामी, वो लीला कथाओं में विचरण करते हैं, उनको फुर्सत नहीं है इन सब चीजों से। किंतु साधारण लोगों के लिए ये सब पहले एक प्लेटफॉर्म के रूप में जरूरत है। सनातन धर्म ने हमें क्या दिया, यह प्रश्न ऐसे ही मूर्खता का है। जैसे कोई मूर्ख बेटा कहे, पिता ने हमें क्या दिया, क्या दिया, क्या तो तेरा जन्म दिया, क्या जन्म दिया, अपने पास स्त्री के साथ में भोग कर रहे थे और मैं पीछे से गिर गया, पिता ने क्या दिया, दिया क्या, उसका ऋणी किस लिए, किस लिए उनका आदर करें, उसका किस लिए हम आदर करें। वो अपने भोग में मत्त थे, अपने सुख के लिए वो अपना भोग कर रहे थे और उसमें से मैं निकल आया, इसमें क्या है। मैया ने क्या किया, मैया ने क्या किया, दूध पिलाया तुझे, अरे उसके स्तन में इतना दूध था जिसे वो नहीं पिलाती तो उसको दर्द होता था, इसलिए दर्द को दूर करने के लिए पिलाया, हमारे लिए पिलाया। आजकल ऐसे ही सब नास्तिक के विचार सब उठ रहे हैं, कहेंगे सूर्य ने क्या दिया, भगवान ने क्या दिया, हमारे सनातन धर्म ने क्या दिया, अरे तुमने क्या दिया, क्या तुमने दिया। इसलिए पहले हम पिता के रूप में आ रहे हैं, जो पिता ने क्या दिया, जो गधे हैं सुअर हैं वो इन चीजों को नहीं समझते, जो थोड़ी सी बुद्धि रखने वाले हैं वो इस पर विचार करके देखेंगे ये पिता ने क्या दिया। इसको समझने के लिए ये समझो, एक पेड़ था, उसमें फल लगे, फल से आदमी ने उसका रस ले लिया, कुछ दिनों के बाद में गुठली को मट्टी में लगा दिया, समय से पानी दिया, सींचा, तो उसमें से क्या निकलेगा, अंकुरित हुआ। कुछ दिनों के बाद निकलेगा, गुठली से क्या निकलेगा, पेड़ निकलेगा कि नहीं, छोटा सा पौधा, पानी से सींचते जाओ। और बकरी गधे जानवर न चर जाएं, उसके लिए थोड़ा सा कोई बाड़ लगा दो, फेंसिंग लगा दो। धीरे धीरे बढ़ता गया, कुछ दिनों के बाद में उसमें मंजरियां आई, वो बड़ा हो गया, छाया भी उसमें होने लगी, उसमें मधुर मधुर मीठे मीठे आम के फल लगे। और इसके बाद में आदमी उसको फिर चूसते हैं, उसे जीवन धारण होता है। अब पेड़ ने क्या दिया, उस गुठली ने क्या दिया, उस गुठली में आम के सारे गुण हैं,
उसको हम देख नहीं पाते हैं। उसमें विराट पेड़ है, उसमें सब टहनियां हैं, पत्ते हैं, कितने वर्ष तक वो जिएगा सब कुछ उस गुठली के अंदर में है, और कुछ दिनों के बाद में उसमें आम लगेंगे, पकेंगे, बड़े मधुर होंगे। ये सब गुठली के अंदर में है ना। ऐसे ही आप समझो, पिता है पेड़ के समान, वो अपना बीज देता है, बीज। माता पृथ्वी के समान है, माता उसको धारण करती है और उत्पन्न होने पर उसे अपने दूध से सींचती है, उसे पालन पोषण करती है, जीवन जैसे ठीक रहे फेंसिंग रखती है, इसे स्कूल में माता पिता भेजते हैं और लालन पालन करके बड़ा कर देते हैं, विवाह शादी कर देते हैं, इसके बाद तुम जैसा करो। ये जो मनुष्य बनने का बीज जो था किसने दिया, जिसे तुम्हारा शरीर ये बना है किसे दिया, सोचो। पिता का शरीर नहीं होता, पिता नहीं होते तो वो जो बीज था माता के गर्भ में दिया, वो बीज कहां से आता, तो फिर कहां से तेरा जन्म होता, तू आज जो कहता है। जैसे पिता का शरीर है वैसे ही सुंदर स्वस्थ उसको शरीर मिला, ये शरीर कहां से आया, पिता से आया। उसमें जो बुद्धि है अभी तो सोच रहा है मूर्ख, ये बुद्धि भी कहां से आई, ये बल पौरुष कहां से आया, ये शरीर में ताकत कहां से आई, सोचो तो। यदि पिताजी नहीं देते तो ये कहां से आता, और यदि माता पृथ्वी रूपा यदि माता अपने अंक में गर्भ में धारण नहीं करती, उसे दूध नहीं पिलाती, तो ये कैसे होता। सूरज की किरणें, पानी, हवा, ये सब जैसे गुठली को अंकुरित करते हैं, उसी प्रकार से माता, परिजन, गुरु तुम्हें पाला पोषा, और तब तो इतना बड़ा हुआ। मूर्ख तेरी आंखें नहीं है इसलिए पिता को नहीं देख पाता, पिता न रहता तो तुम्हारा जन्म ही नहीं होता, मैया नहीं होती तो तुम्हारा पालन पोषण, रात भर जग कर कितना कष्ट सहकर तुम्हें पाला पोषा, याद नहीं भैया मैया ने और बाप ने क्या दिया। गधा नहीं होने से तुम नहीं समझ सकता, गधा है इसलिए नहीं समझ सकता, पिता ने सर्वस्व दिया है। इसी तरह से सूर्य ने क्या दिया, हम कहते हैं सूर्य की उपासना करेंगे, नहीं करेंगे, क्या दिया, अरे सूर्य नहीं रहते तो ये पृथ्वी उनसे नहीं आती, ये पृथ्वी सूर्य से निकली, ये सूर्य नहीं होता तो हवा नहीं चलती, सूर्य नहीं होता तो पानी नहीं बरसता, समुद्र का खारा पानी लेकर के आकाश में वेपर के रूप में बदल करके और उनको नमी करके फिर वो वर्षा के रूप में देता है जिससे हम पानी पी करके जीवित हैं, हवा चलती है जिससे हम श्वास लेते हैं, ये कौन करता है। सूर्य नहीं कहता है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करता हूं, हमारे जैसे वो नहीं है किंतु पालन पोषण नहीं रहते तो ये जितने ब्रह्मांड है नहीं रहता ही नहीं। और उस सूर्य को बनाने वाले कौन है, ये परम पिता परमेश्वर है जो सूर्य को बनाया, ये सारी चीजों को प्रक्रियाओं को उन्होंने बतलाया। मैया खाएगी चावल दाल रोटी ब्रेड और उसके स्तन में दूध हो जाता है, कैसे हो जाता, कौन बनाता है, तैने बनाया मूर्ख, सोच तो जरा कौन बनाया। और ठीक जिसको बेटा बेटी होनी है होगा उसी के स्तन में दूध आएगा, दूसरे के दूध नहीं आएगा, क्यों, जरा किसी को तुम दूध उतार देगा, नहीं कर सकता, जरा सोचो तो। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ाइयां नहीं होती, नास्तिक शिक्षा है, भगवान मत मानो, माता पिता मत मानो, धर्म मत मानो, गुरुजनों को मत मानो। मैया ने, वो कहेगा मैया ने हमको शराब दिया मद्य, वो तो दूध देती थी,
दूध से हम अपने दुखों को नहीं भूल सकते। इतने दुख संसार में हैं कि जब तक कि वो क्या जगोना ना क्या जगोना ना पीऊं, मदिरा ना पान करूं, सिगरेट का कश ना लगाऊं जोर से और गांजा भांग नहीं खाऊं तो मैं अपने दुखों को भूल नहीं पाता, रात में नींद नहीं आती इसलिए तो सिगरेट पीता हूं, ऐसे ही पीता हूं, गांजा भांग खाता हूं इसलिए, और इसलिए नगोना भगोना पीता हूं। मैया के दूध से होगा ये? अरे मूर्ख कहीं का तुम नहीं समझते, मैया के दूध में है वो शक्ति जो तुम्हें पालन किया पोषण किया, और ये नगोना और ये भांग गांजा तुम्हें पत्थर बना देते हैं, पत्थर अकल को समाप्त करा देते हैं। शराब से क्या होता है? पिता मैया अपने बेटे को शराब देंगी न सिगरेट पिलाना सिखलाएंगी, कुकर्म करना सिखाएंगी। हमारे यार दोस्त हमें नगोना देते हैं, सिगरेट देते हैं, बीड़ी देते हैं, गांजा भांग खिलाते हैं, और हमको कहीं कहीं गलत स्त्रियों के पास में भी ले जाते हैं। ये मैया बाप करते हैं, इन्होंने क्या दिया मैया बाप ने, ऐसे आज करके लोग सोचते हैं। आप लोग ऐसा बेटियां बेटों ऐसा तुम लोग मत सोचना। अब हम आते हैं कि हमारे सनातन धर्म ने क्या क्या दिया। पहले ये मैंने बतलाया जिस सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म यह है, तुम समझो और ना समझो, तुम पिता को समझो और ना समझो, किंतु पिता ने जैसे जन्म दिया है और सारे स्वभाव शक्ति गुण दया और जितने भी जो कुछ है सब तुम्हारे पिता के उस बीज के द्वारा तुम्हारे अंदर में हुई है, वही निकला है। तुम नहीं समझता, तुम पिता से शराब चाहता है, पिता से गलत स्त्री वेश्या चाहता है, पिता से सिगरेट गांजा भांग चाहता है, मैया से वो तो तुमको गलत नहीं देंगे। इसलिए ये जो सनातन धर्म है वो ऐसा चीज है तुम नहीं समझते, किंतु उसके बिना एक क्षण भी तुम जीवित नहीं रह सकते, उसको धर्म कहते हैं जो धारण करता है। ये पहले दिन बतलाया, समझ में नहीं लोगों को आई नहीं आए, सनातन धर्म के बिना हम रह नहीं सकते। धर्म माने, अब थोड़ा सा और विस्तृत रूप में आपको समझा रहा हूं। भगवान सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंद माने जो सत है, जिनकी स्थिति है, जिनका रूप है, जिनमें क्रियाएं हैं, जिनमें गुण हैं और दित्य हैं, उनका कभी रूपांतरित नहीं होता, परिवर्तन ध्वंस नहीं होता। इस संसार में हम जो कुछ देखते हैं उनका परिवर्तन और ध्वंस है। एक लड़के ने जन्म लिया, 10 दिन के बाद 10 दिन का हुआ, 25 वर्ष के बाद में नवयुवक हुआ, 50 वर्ष में प्रौढ़ हुआ, 80 वर्ष में वृद्ध हो गया, 100 वर्ष में जर्जर शरीर को छोड़ दिया। ये परिणामशील ध्वंस। एक कपड़ा नया लिया, 1 वर्ष के बाद में पुराना, 2 वर्ष के बाद में उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। भगवान ऐसे नहीं, ओ नित्य सनातन उनका अस्तित्व है। दूसरा चित, चित माने क्या? चित माने ज्ञान, समझो नॉलेज। यदि हमारे अंदर में नॉलेज न हो, सुख दुख की अनुभूति न रहे, स्वतंत्र इच्छा शक्ति न रहे, तो हम में और पत्थर में अंतर क्या है? नॉलेज को मनुष्य में से निकाल दो, रहा क्या? रहा कुछ? पत्थर में नॉलेज नहीं है, सुख दुख की अनुभूति नहीं है। यदि हम में से ये सुख दुख की अनुभूति निकाल दो, नॉलेज को निकाल दो, तो रहेगा क्या? हम पत्थर जैसे बन जाएंगे, जड़ बन जाएंगे। तो भगवान ऐसे ज्ञान स्वरूप हैं, और साथ में जितने प्रकार के प्रेम के भाव हो सकते हैं, ये ज्ञान का अंतिम सीमा है प्रेम।
तो ये प्रेम भगवान का स्वरूप ही प्रेम का है। और आनंद, ऐसा कौन भी प्राणी है जो सुख नहीं चाहता? सुख का पर्याय वाची शब्द अर्थात तो दूसरा नाम आनंद है। आनंद को ही प्रेम कहते हैं। ऐसा कोई जीव है जो सुख नहीं चाहता, प्रेम प्रीति नहीं चाहता? विवाह करके अपनी पत्नी को लाए, उसे प्रीति ना करें, फिर क्या होगा? जो उससे प्रीति करेगा उससे के साथ में चली जाएगी। बेटे से प्रीति ना करें, क्या होगा? कुछ दिनों के बाद में नहीं रहेगा घर पर। कुत्ते से प्रेम ना करो, प्रीति ना करो, कुत्ता नहीं रख सकते। ये जो प्रीति है ये भगवान में तीनों में परिपूर्ण रूप से सदा के लिए है, इसलिए उनको सच्चिदानंद भगवान कहते हैं। हम उन्हीं के अंश हैं, शरीर नहीं, इसके अंदर में जो आत्मा है, चेतनता है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम भगवान के नित्य अंश हैं और यह अंश कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, अंश अंश ही रहेगा। भगवान से निकला हुआ जो जीव है वो जीव ही रहेगा, वो ब्रह्म नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि क्या अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, मैं ब्रह्म हूं, अरे कृष्ण कह सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, कृष्ण ने कहा वेदों में अपने लिए मैं ब्रह्म, तुम कैसे हो सकता है? तुम जो जीव है वही रहेगा। मैन कैनॉट बी अदर देन मैन, व्हाट इज ही विल बी दैट एंड ही इज दैट थिंग, ही कैनॉट नेवर, ही नेवर कैन बी गॉड। जीव जगत की सृष्टि नहीं कर सकता, वो माया बस है, इसलिए हम ब्रह्म नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण राम इत्यादि ये भगवान हैं, हम उनसे निकले हैं, इसलिए हम जब निकले हैं अंश के रूप में हम भी सच्चिदानंद हैं। स्वरूपतः हम लोग आत्मा के द्वारा सच्चिदानंद है, हम में भी एक नित्य शरीर है, हम में भी पोटेंशियल शक्ति है और हम भी आनंदमय हैं। किंतु कब तक? जैसे आग से चिंगारी निकलती है, वो तब तक आग है चिंगारी जब तक कि आग के संपर्क में है, और चिंगारी छिटक करके यदि बाहर में चली गई, पत्थर के ऊपर में गिरी, तो क्या होगा? चिंगारी और आग बन जाएगी। हम छोटे से इन्फिनिटेसिमल हैं, भगवान के गुण तो हम में, किंतु छोटी होने के कारण हम उनको भूल सकते हैं, हम उनको यही भूल गए हैं, इसलिए माया ने हमें पकड़ लिया है। किंतु हमारा जो स्वरूप धर्म है, धर्म माने क्या? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा, यही हमारा नित्य है, प्रेम ही हमारा धर्म है, यही हमारा सनातन धर्म है। अभी भूल तो गए, प्रेम तो अंदर में है, किंतु कुछ विकृत हो गया। विकृत होने से संसारिक वस्तुओं पर लग गया, जो कि मर जाते हैं, अनित्य वस्तुओं पर। इसलिए यह प्रीति विकृत प्रीति है, इस प्रीति से सुख नहीं होगा। इस प्रीति को यदि रिफाइन करें साधु संघ में भगवान के नाम के द्वारा, तो यह प्रीति शुद्ध होकर के भगवान में लगेगी और जगत का भी कल्याण होगा। हम इस प्रीति को भूल गए हैं अभी, यही हमारा सनातन धर्म है। किंतु होने पर भी स्थूलता, हम उसे अलग हो नहीं सकते, इससे प्रीति निकल जाएगी। जिस दिन सुख नहीं मिलेगा उस दिन जहर खा करके आप मर जाएंगे, रेल की पटरी के नीचे मर जाएंगे, किसी ने आत्महत्या कर ली, इसे कभी अलग नहीं। और होने पर भी वो जीवात्मा से अलग नहीं, जहां फिर जन्म लेगा फिर वहां पर होगा। क्या दिया इसने? भगवान का प्रेम दिया लोगों को। आप तुम अपनी बेटी के साथ में जो प्रीति कर रहा, अपने बेटे के साथ में जो स्नेह कर रहा, जो तुम्हें सुख लेने की जो प्रवृत्ति है तुम्हारे अंदर में, ये सब सनातन धर्म का अंग है। मिसप्रयोग दुरुपयोग मत करो,
किसी व्यक्ति ने तुम्हें एक छोटी सी छुरी दी, इसका सदव्यवहार करना। उसने उसे आम काट करके खाया, सब्जी उससे काटा, अच्छे अच्छे कामों में उसे प्रयोग किया, और किसी ने उस छुरी से अपना गला काट लिया, ये दोष किसका? छुरी का दोष नहीं। भगवान ने हमें हमारे स्वरूप के गठन के साथ ही जब से ये जीव हुआ तब से उसके अंदर में ये प्रीति दी है। प्रीति का सदुपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में है। यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं हमारा कल्याण होगा, हम सुखी होंगे। सनातन धर्म ने हमें ये दिया, माता पिता का आदर कर, अतिथियों का आदर कर, अच्छे लोगों सज्जनों के संग में तू रहेगा, तुम्हारी बुद्धि सद्बुद्धि ठीक रहेगी, तुम जीवन में सुखी होगे। ये सनातन धर्म हमारा जो है ये देता है, जो कि नहीं जानते हैं उनको, किंतु इसके द्वारा हम यदि हम न करें इसका उपयोग तो ये दोष किसका? जो लोग इन चीजों को नहीं समझ के सनातन धर्म छोड़कर के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? जैसे एक कुपुत्र माता पिता के प्यार को ठुकराकर एक मन चले नौजुवक के साथ में बॉयफ्रेंड बना दिया या गर्लफ्रेंड बनाया, कुछ दिन के बाद में उसका सब कुछ उस लड़की ने ले लिया और फिर उसको ठोकर मार दिया, किसका दोष? माता पिता का दोष। उसी प्रकार से धर्म ने हमें सदुपदेश दिए, यदि पालन करते हो तो नहीं पालन करके क्या दिया? सूर्य ने नहीं दिया, क्या दिया? पिता ने क्या दिया? नहीं समझते हो इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। इसलिए धर्म ने हमें सुशीलता, सहनशीलता, भगवत प्रेम, माता पिता के प्रति स्नेह, ममता और जीवन में सुखी रहने की कला बतलाई, और तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो। जब यह धर्म नहीं रहता तो तुम पत्थर की भांति जन्म ही नहीं लेता, मनुष्य ही नहीं होता। ये धर्म के वजह से ही हम भगवान से निकले, भगवान के गुण हमारे अंदर में है, उन गुणों का विकसित जैसे मैया करती है उसी प्रकार से साधुओं का समाज इन गुणों को विकसित करता है। आजकल स्कूल कॉलेजों में भी, जब टीचरों में भी, प्रिंसिपल और प्रोफेसरों में ये सब आत्म शिक्षा नहीं है तो वो क्या शिक्षा देंगे? वो नहीं धर्म को समझते हैं, कहते कि धर्म मानने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मानने से तुम नहीं, कहने से भी तुम तो मानता है। तुम जो एक गंदी लड़की से प्रेम कर रहा है, ये प्रेम चीज क्या है? इसके बिना रहो तो देखें। इसलिए सब चीजों का सदुपयोग करना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए। जिसके अंदर में मैं हूं इसका धर्म है क्या? सुशीलता, सर्वगुण, उसके अंदर में भगवान के प्रति प्रेम, जीवों के प्रति प्रीति। यदि हम इसका आदर करते हैं, पालन करते हैं तो जीवन में सुखी रहेंगे, भविष्य जीवन में भी सुखी रहेंगे, और नहीं हम जीवन में सुखी नहीं रह सकते। जैसे एक कोई पशु है, उसे हम रोज खिलाते पिलाते हैं, किंतु तो जानता जहां छोड़ दो कहीं भाग जाएगा, नहीं समझता है, मर जाएगा बिना खाए पिए, किंतु फिर भी लौटेगा नहीं। ऐसे ही हम धर्म को छोड़ करके, मान लिया कि हमने हिंदुत्व को छोड़ करके मुस्लिम होकर के गए, क्या मिला? गया इसलिए कि कोई मुसलमान की लड़की थी, वो प्रेम था, उसने कहा कि मैं तो हिंदू नहीं होंगी, तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारे साथ में रहेंगी। उसने कहा ठीक है, मैं मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ने लगा, चोटी कटा ली और मूछ कटा करके दाढ़ी रख ली। उनका बस चलता तो सब उल्टा काम करते ना? जैसे हिंदू लोग जो कुछ करेंगे ना वो सिर पर चोटी रखेंगे, वो नहीं रखेंगे।
ठीक उल्टा काम। वो लोग मूछ रखते हैं, वो लोग नहीं रख करके दाढ़ी थोड़ी सी रखे। यदि बस चलता तो सिर के पैर पे बैल से चलते, पैर से नहीं चलते। किंतु नहीं कर सकते, तो इसलिए कहते हैं तुम अच्छा मुसलमान धर्म मिल गया। क्या तुमको मिला? क्या क्या मिला? मुस्लिम धर्म ने तुमको दिया क्या? ईसाई धर्म ने तुमको क्या दिया? बौद्ध धर्म ने क्या दिया? बतलाओ क्या दिया? क्या तो ये उस लड़की को दिया। आज दो दिन के बाद में उसने तुमको तलाक दे दिया, फिर क्या दिया? फिर क्या करेगा? तो उसमें हम तो गाय भी खा सकते हैं, दूसरे दूसरे मांस भी खा सकते हैं, हिंदू धर्म में नहीं खा सकते। तो फिर वहां पर सुअर नहीं खा सकता, फिर क्या करेगा? यही जीवन का कर्तव्य है। जरा सोचो, मुस्लिम यदि हो जाएगा तो तुमको क्या देगा वो मुस्लिम धर्म, या ईसाई धर्म क्या देगा? वहां पर भी थोड़ा सा प्यार है, यही प्यार से तुम जा रहा। ये प्यार हमारे यहां सनातन धर्म में परिपूर्ण रूप से है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। माता पिता को समझो क्या दिया, समाज ने क्या दिया, हमारे गुरुजनों ने क्या दिया, हमारे शास्त्रों ने क्या दिया, और फिर देखो जो धर्म ने क्या दिया, सर्वस्व धर्म ने दिया, तुम उसको समझ नहीं रहे। आज इतना ही कहूंगा, कल हम लोगों को जाना है सवेरे। हम लोग आज तो ये रात ही में चले जाएंगे, इसलिए संक्षेप में ही आज हम कुछ कहेंगे। फिर यदि आप लोगों की लालसा होगी तो धर्म के जो गूढ़ रहस्य हैं उसको बतलाने की कुछ चेष्टा करेंगे। यदि एक दो व्यक्ति भी हमारे उपदेशों से सनातन धर्म की तरफ में आ गए, उनकी दृढ़ निष्ठा हुई, भगवान के प्रति भक्ति हुई, नाम में रुचि हुई, तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे भ्रमण का यही उद्देश्य है। यदि दो चार लोग भी हमारे इस पृथ्वी के विश्व के भ्रमण में यदि ऐसे मिल जाएं जो भगवान की तरफ चलें, तो फिर वो दूसरों को देंगे। इस तरह से ये सनातन धर्म की सदा के लिए रक्षा होगी। आप लोगों में भी दृढ़ता आएगी, इन लड़कियों में भी दृढ़ता है, बच्चों में भी दृढ़ता है। इस तरह से इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए हम लोग फिर आने की चेष्टा करेंगे। आप लोग इच्छा हुए फिर आएंगे, कुछ दिन अधिक रूप में हम विशद रूप में गंभीर इसके जो तत्व हैं बतलाने की चेष्टा करेंगे। अभी सहज रूप में रियलाइज नहीं कर सकते। आज से मैंने इसी जन्म में, ना जाने पूर्व जन्म की तो बात क्या जानू, इस जन्म में भी 70 वर्ष तक रह करके जो मैंने गुरु सेवा की, जो साधन भजन हमने की, जिसकी उपलब्धि की, आप लोगों को मैं कैसे बतलाऊं? गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। गिरा को जो है वाणी को आंख नहीं, और आंख को वाणी नहीं, अपने अनुभूतियों को कैसे बतलाऊंगा और कैसे समझेंगे? यह गुड़ मीठा है, यह आम मीठा है। आम क्या गुड़ के समान होता है? ना कोई अंतर है। इस अंतर को कैसे बतलाया जाएगा जब तक कि नहीं खिलाया जाए? इसलिए कुछ साधन अपेक्षा भी रखता है। इसलिए यदि आप लोग आज से ही भगवान का नाम आरंभ कर दें, कुछ न कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, बस एक बार भी दिन में एक बार कहेंगे, जरा देखिए तो कैसा बदल जाता है। भगवान के नाम में सब शक्ति है। सोते समय, चलते फिरते समय, लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, रात में, दिन में, सोते समय, छींकते समय, फिसलते समय, कभी भी राम नाम कृष्ण नाम आ जाए, बस कल्याण ही कल्याण है। इसलिए हम लोग इसका पालन करके हम पढ़ें, तुलसीकृत रामायण को पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें। आजकल के नॉट ऑफ नोवेल और आजकल करके टीवी और कैंसर मत पढ़े, देखें। घर घरों में टीवियां हो गई और तरह तरह के गंदे अश्लील सब उसमें आते हैं। एक लड़की के पीछे एक लड़का भाग रहा है, बंदूक लेकर के चल रहा है, उस पर छोड़ता है, बस यही सब गंदी। कभी कभी
भूल से रामायण के कुछ महाभारत के कुछ चरित्र आ जाते हैं, बहुत कम अश्लील ही आते हैं। इसे कैंसर, जैसे शरीर में कैंसर होता है उस तरह से आत्मा में कैंसर हो जाता है। आजकल के लोग, हमारे राजनीतिज्ञ लोग देश के कर्णधार नहीं समझते हैं, स्वयं ही इसके शिकार हैं। देखा ना हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी पत्नी और सबके रहते हुए कैसे अपने ऑफिस गर्ल के साथ में कैसे उन्होंने किया और कैसे केस और जगत उस पहुंच रहा है, उन पर कंट्रोल नहीं। इसलिए आप लोग सनातन धर्म में पूरी निष्ठा के साथ में रह करके भगवान का नाम कीजिए और सुखी रहिए। आज मैं यही करके अभी विश्राम लेता हूं। अभी थोड़ी सी दामोदर लीला के संबंध में, हाँ एक कीर्तन अभी थोड़ा सा कर दो। दामोदर लीला के संबंध में शुभानंद जी संक्षेप में 20-25 मिनट में बतलाएंगे, जिससे कि आज सभा हम लोग पहले ही समाप्त करें। हाँ एक तो सुर बाल दे बदले और बे सुंदर मधुर स्वर है।